रंजन 24 इसमें रहेगी जनपद के विकास क्षेत्र खीरों की सिमरी चौराहा पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नेतृत्व में आज शहीद रामचंद्र प्रजापति के सम्मान के लिए रायगढ़ जनपद में राष्ट्रीय शोषित समाज जिला अध्यक्ष प्रेमचंद मौर्य के नेतृत्व में आज सैकड़ों की कार्यकर्ता वहां मौजूद दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं जनपद के फोन के चैनल के माध्यम से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के यही नहीं है भीम आर्मी के लोग भी वहां उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं वाहन देख सकते हैं जहां पर कानपुर की तरफ से वाहन आ रहा है, जिसमें पदाधिकारीगण मौजूद हैं। जहां पर वहीं पर सभी राष्ट्रीय शोषित समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर सुस्वागत किया गया है। आइए हम बात करते हैं जिला अध्यक्ष प्रेमचंद मौर्य जी से पूरा मामला। इसी के साथ इंडिया नोटबुक की लिस्ट खबरों के साथ बने रहिए। यशदेव कुशवाहा संवाददाता रायबरेली। सर जी परिचय चाह रहे हैं आपसे। प्रेमचंद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष जी। आज आप लोग इसमें कहां पर खड़े हुए हैं? समरी चौराहा पे। किस संबंध में आज आप लोग ये शहीद सम्मान रथ यात्रा रामचंद्र प्रजापति विद्यार्थी के बहराइच में जो भी जमीन अलाट की गई थी देवरिया में, उसी के संदर्भ में सरकार को हम लोग इस यात्रा के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की जो भी जमीन आरक्षित है उस जमीन पर भी किसी प्रकार का जो है आक्रमण सरकार द्वारा ना किया जाए, और सरकार उस पर लाइब्रेरी बनाने के लिए जो है काम कर रही है। हम लोग उसके विरोध में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति के सम्मान में उस जमीन को सुरक्षित शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के उसमें रखा जाए, और हमारे साथ प्रजापति समाज के जिलाध्यक्ष भाई अवधेश प्रजापति जी भी अपने पूरे साथियों के साथ इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। बांदा के पूर्व विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति के नेतृत्व में उनके सम्मान में वो पूरे प्रदेश में जाकर के सभी जिलों में इस जन जागरण का काम कर रहे हैं। उसी में आज रायबरेली जनपद में उनका आगमन सिमरी चौराहे पे होगा, और भव्य तरीके से रायबरेली जनपद के लोग उनका सम्मान करेंगे और सरकार को इस यात्रा के माध्यम से अवगत कराएंगे कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की अधिकृत जमीन पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। यदि सर जी ये शासन द्वारा जो जमीन अधिकृत की गई है, यदि सरकार इस पर संशोधन न किया तो आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद अरे ये देश के लिए सबसे कम उम्र के ये हमारे शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी हैं, जिन्होंने 13 वर्ष की आयु में इस देश की आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपने जान की न्यौछावर दे दी। उनके सम्मान में फिर हम लोगों को सड़कों में भी उतरना पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। आज की टीम कहाँ से आ रही है और दूसरी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें? हाँ, हमारे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश कुमार प्रजापति जो तिजवारी के पूर्व विधायक हैं, उन्हीं के साथ हमारे दिलीप चौधरी जो धोबी बिरादरी से वो भी, और देवा रावत जी वो भी इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके सम्मान में आज हम सब लोग रायबरेली के समरी चौराहे पे उपस्थित हैं। वो कुछ ही क्षणों में हम लोगों के बीच में आने वाले हैं। दूसरे साथी हमारे राम लखन मौर्य जी हैं, मैं इनसे चाहूंगा कि देवा रावत जी को माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे। देवा रावत मौर्य जी है, मैं दिलीप चौधरी जी को बचाऊंगा जो कि टीम के साथ बराबर चल रहे हैं, उनका स्वागत करें। अपने लोगों का बहुत करवाइए। हाँ हाँ तो
लिए हम माननीय पत्र स्वागत करेंगे। और भैया हमारे जो जिला अध्यक्ष लोग हैं महीनों से लगे हुए हैं, एक हमारा एक माला हो गया हमारे उदेश भैया दोनों लोग ललित भाई आइए एक फोटो हो जाए तो देखा जाए। रूम में खोज लीजिए शहीदों के गाना।